हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजी टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि जो जो पीएससी की जेटीसी होती है और आरटीसी होती है, इसमें क्या क्या होता है। जिसमें से 60 आपकी 30 दिनों की जेटीसी होती है और 180 दिनों की कम से कम आरटीसी होती है। तो यानी कुल मिलाकर करीब 7 माह की ट्रेनिंग जो होती है, इसमें पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या होते हैं, पूरे एक एक दिन का क्या आपका रूटीन होता है, कैसे आपको वहाँ पे मैनेज करना होता है, वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो देखने के बाद आपको कभी इन फ्यूचर या फिर कभी किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद अपने आप में हमेशा प्रिपेयर रहोगे, रेडी रहोगे कि आगे मुझे क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, वीडियो हल्का सा थोड़ा सा लंबा हो सकता है 8-10 मिनट तक का, बट आपको मैं पूरा वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊँगा, ऑब्वियसली पीडीएफ है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। वो सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो सही, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होती हैं जो मेरी, वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें और हम अपडेट होते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरक्षी पीएससी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2018, तो ये अवधि 6 माह या तो ये आरटीसी का जो पाठ्यक्रम है ये 6 माह का पाठ्यक्रम होता है। तो ये उसी का पूरा पीडीएफ है। तो ये कहाँ का है, ये तो ये आप देख सकते हैं सीतापुर का पीडीएफ है। ठीक है, तो सीतापुर की जो वाहिनी है वहाँ पे जो पूरा कार्यक्रम कैसे होगा 2018 का जो भर्ती चल रही है इसका वो है उसका। तो जहाँ तक ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो वाहिनी है वहाँ का दूसरा कोई रूल होगा, किसी दूसरे वाहिनी में दूसरा रूल होगा, सारी वाहिनियों में रूल जो है वो सेम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरक्षी पीएससी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण। नंबर एक, उत्तर प्रदेश पीएससी आरक्षी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी सेना नियमावली एवं नियमों के अनुसार कराया जाएगा। भर्ती के दिनांक से वाहिनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणधीन आरक्षियों को प्रशिक्षु आरक्षी पीएससी के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जो बोला जाएगा वो देखिए आप क्या बोला जाएगा, प्रशिक्षु आरक्षी पीएससी। तो आपको ये यहाँ पे नाम दिया जाएगा, यानी आपको प्रशिक्षु बोला के पुकारा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसमें नंबर 3 आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना। तो वहाँ पे आपकी कार्यक्रम की संरचना कैसे होने वाली है। आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित होगा। नंबर 1, 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण लगातार संस्थानों में। तो आपको ये पता ही है कि ये आपकी जो है आरटीसी होने वाली है। और 3 माह यानी 90 दिन का व्यवहारिक वाहिनियों में मुख्यालय पर 20 और 70 दिन का व्यवस्थापना। तो आपको जो जेटीसी होगी वो 20 दिन को कम से कम 20 दिनों की जेटीसी होगी, और ये आपकी 6 माह की आरटीसी हो गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होगा 7 से 9 महीने के बीच में आपको जो पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम वो शुरुआत होगा। तो जेटीसी में प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा, वहाँ पे क्या क्या आपको करवाया जाएगा वो बात कर लेते हैं। कि जो सबसे पहले आपकी कम से कम 20 से 30 दिन के बीच की जो है आपकी जेटीसी होती है उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जहाँ तक जेटीसी की बात करें तो ये बिल्कुल पीएससी और सिविल का दोनों सेम है, कोई ज़्यादा इस पर डिफरेंस नहीं है। प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा एक प्रशिक्षण रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा की जा रही ट्रेनिंग के संबंध में से संक्षिप्त टिप्पणी की जाएगी, जिसमें अंत कक्षीय प्रशिक्षण एवं वाह कक्षीय प्रशिक्षण के बारे में लिखा जाएगा। प्रशिक्षु आरक्षियों की भर्ती के पश्चात नियुक्त की वाहिनियों में 30 दिन के अनधिक प्रारंभिक परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आपके जेटीसी है जो 30 दिन की होगी। संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों के केंद्र प्रभारी प्रशिक्षुओं के आगमन पर निम्नलिखित निर्देश का पालन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग को क्या करवाना होगा आपसे,
वो सारा यहाँ पे उसका डिटेल दिया है। आगमन के पश्चात प्रशिक्षु आरक्षियों का नामिलन रोल फॉर्म भरवाया जाएगा, तो आपका एक सबसे पहले फॉर्म भरवा देगा जिसमें नवीनतम फ़ोटो लगवाई जाएगी। आगमन के समय ही भोजन की व्यवस्था है, तो प्रत्येक प्रशिक्षु से मेस एडवांस जमा कराया जाएगा। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रशिक्षु तो केंद्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रदान की जाएगी, तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय भोजन वे काट कर शेष धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी। तो आपको वहाँ पे जो मेस का पैसा है वो आपको जमा करना पड़ेगा, और जब वापस आप जाएंगे तो आपको जितना पैसा होगा, पैसा उतना काट के आपको वैसा वापस कर दिया जाएगा। समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों के आगमन के अगले दिन प्रशिक्षुओं के की एक जीरो परेड कराई जाएगी, जिसमें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जाएगा और वाहिनी के नियुक्त समस्त कर्मियों एवं अन्य विभागों के बारे में जानकारी दी जाएगी। संबंधित विनय वाहिनी से प्रशिक्षुओं की वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी आधारभूत पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी सामग्री स्थानीय स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। वर्दी के साथ सभी को किट कार्ड भी बनवाया दिए जाएंगे। वाहिनी के सेनानायक सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को चरित्र पंजी तैयार कराएंगे। तो ये सारा काम उनका है, वहाँ पे क्या क्या वो आपकी हेल्प करेंगे, उनको क्या करवाना है, क्योंकि आप लोग तो नए हो गए, आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, बट वो लोग पुराने हैं, तो उनको यहाँ पे क्या करना है आप लोगों के साथ, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को विशेष रूप से वर्दी के रख रखाव तथा उसके पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम, पुलिस अधिकारियों के रैंक एवं अलंकारों का ज्ञान, परेड ग्राउंड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन के विधित ज्ञान कराया जाएगा। तो सारा कुछ आपको वहाँ का करवा जाना है। तो यहाँ पर सेनानायक प्रति सप्ताह कम से कम एक बार प्रशिक्षु के साक्षात्कार करेंगे। तो जो आपके वहाँ पर सेनानायक हो, कम से कम हफ्ते में एक दिन आपके लोगों का जो है वो साक्षात्कार करेंगे, आप लोगों से मिलने भी आएंगे। अब उसके बाद आ जाता है गहन प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। यहाँ संस्था प्रमुख का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अथवा जनपद में नियुक्त जिला प्रभारी तथा PSC वाहिनियों में नियुक्त प्रभारी सेना नायक से है। प्रशिक्षण केंद्र में प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षु के प्रगति पत्रों का भली भांति अवलोकन किया जाएगा। यदि किसी प्रगति पत्र पर कोई त्रुटि की या कमी होती है तो संबंधित वाहिनी प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जाएगा। अब सबसे बात यहाँ पे मेन बात आ जाती है यहाँ पे आवास। तो समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों के लिए बैरक व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवास उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली व्यवस्था, पंखे एवं बेड की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षु किसी प्रशिक्षु को निर्धारित बैरक आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है बैरक में ही रहना पड़ेगा, आप बैरक के सिवाय नहीं जा सकते बाहर, कि आप कहीं रूम पे ले लें या फिर कोई आपका रिलेशन का हो तो वहाँ पे रहकर आप ट्रेनिंग करें, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला, आपको बैरक में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं भोजन व्यवस्था की। समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों को प्रशिक्षण केंद्र के अंदर ही उनके लिए निर्धारित भोजनालय भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा कराई जाएगी। पर्याप्त धन को रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी प्रदान की जाएगी, तथा दीक्षांत समारोह के उपरांत भोजन व्यय समायोजित करके शेष धनराशि वापस कर दी जाएगी। तो ये वही बात बोली गई है कि मेस जो है आपका जमा करवाया जाएगा पैसा, उसके बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। जब आपकी जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपका पैसा जो है कट के वापस कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में जो भी जन शक्ति अथवा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वे लाभ हानि रहित तो होंगी, परंतु यह कटौती किसी भी दशा में 600 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो सुविधाएं जिनका भुगतान सामूहिक रूप से किया जाना है, तो आपसे कोई अगर वहाँ पे कुछ टूट फूट हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपको 600 रुपये से ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
तो आपको वहाँ पे इसी तरीके से दिवसा अधिकारी भी होंगे, तो वहाँ से आपको कैसे करना है, तो प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिदिन एक वाह विषय का प्रशिक्षण दिवस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसका कर्तव्य होगा कि वह प्रशिक्षु आरक्षियों के मध्य अनुशासन एवं सुव्यवस्था व्यवस्था बनाए रखे। किसी उल्लेखनीय बात की सूचना तुरंत प्रतिसार को दी जाएगी। ग्राउंड में मेस बैरक से क्लासरूम क्रीड़ा स्थल के मध्य संचरण व्यवस्थित एवं सुसंस्कृत ढंग से किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है तो विद्यालय, तो प्रशिक्षुओं को अंतः और बाह्य विषयों का प्रशिक्षण स्तर 28-29 दिए गए विषयों पर कराया जाएगा। तो आपको जो वहाँ प्रस्तर 28 और 29 होगा, उसी के आधार पर आपको जो प्रशिक्षण होगा वो करवाया जाएगा। परिशिष्टों में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आंतरिक विषय का विस्तार पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 तथा वह विषयों का विस्तार पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 के रूप में दिया विवरण का अनुसार होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको होगा, वहाँ पे पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकें एवं विभागीय ज्ञान से संबंधित पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो हर जगह पे आपको पुस्तकालय भी मिलने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने के, तो वहाँ पे जाकर बैठ के पढ़ सकते हैं। मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षुओं को मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह में टेलीविजन तथा इंडोर गेम्स तथा कैरम बोर्ड, चेस इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षुओं के लिए उनकी संख्या के अनुपात में समाचार पत्रों की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आप वहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको वहाँ पर टेलीविज़न भी अगर लगाया जाएगा, आप गेम खेलना चाहते हैं इंडोर गेम तो वो भी आप खेल सकते हैं। कैरम हो गया, चेस हो गया, तो आप वहाँ पर खेल सकते हैं। सूचना पट हो गया। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं के बैरक के निकट एक सूचना पट की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षुओं को संबंधित सूचना एवं आवश्यक निर्देश चस्पा किए जाएंगे। तो इस तरह का मासिक सम्मेलन भी होगा। वहाँ पे सुझाव पत्रिका पेटी होती है। परिधान आपको क्या क्या होना, तो सबसे मेन रहता है यहाँ पे परिधान। प्रत्येक प्रशिक्षु के को मौसम के अनुसार परेड पीटी विद्यालय की निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अंतः कक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु सादा परिधान धारण करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे बृहस्पतिवार को सिंपल ड्रेस में रहना है, बाकी आपको डेली आपको रूटीन के हिसाब से आपको वहाँ पे जो परिधान होगा वो वहाँ पे पहनना होगा। फिर खेल कूद की बात करते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान खेल कूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेल कूद के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षुओं को मोटरसाइकिल प्रशिक्षण हेतु संस्था द्वारा आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी। तो वहाँ पे अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सब कुछ हमको प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ पे खेल कूद में भाग लीजिए और इससे आप बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। फिर चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं। समस्त प्रशिक्षु अधिकार प्रशिक्षु आरक्षियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संतुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था कराई जाएगी। जिस प्रशिक्षण केंद्र में से चिकित्सालय काफ़ी दूर स्थित होगा, वहाँ पर प्रशिक्षु के उपचार हेतु प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी संबंधी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उपचार की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो हो गई उसकी बात। अब यहाँ पे मेन आती है जो आपको लीव यानी कि छुट्टी कितनी मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात जो है ये आपकी वहाँ पे छुट्टी कितने दिन की मिलने वाली, तो अवकाश इसकी बात करते हैं। आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षण को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा एक बार में अधिकतम 3 दिन तथा पूरे सत्र के दौरान अधिकतम 6 दिन तक का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। तो यानी आपको पूरे सत्र में जो आपको सत्र चलेगा उसमें 6 दिन का आकस्मिक अवकाश है, आप स्वीकृत कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके सिवाय 7वें दिन का आपको कोई अवकाश नहीं मिलने वाला। व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा लिए गए अवकाशों की सूचना सेना नायक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित की जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल आपको साल में जो सत्र के केवल 6 दिन मिलेंगे आकस्मिक के रूप में, और प्रशिक्षण की अवधि के बिना अनुमति अनुपस्थित अवकाश से विलंब
से आगमन या झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करने तथा गंभीर कदाचार है। ऐसे पर शिशु आरक्षियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सेवानिमुक्त किए जाने के ऊपर विचार किया जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे झूठा कोई लगाते हैं, झूठ मूठ के कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, या फिर आपको भी लेट हो जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष अवसर पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक अवकाश अनुमति दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार जिनमें से कई दिनों का आकस्मिक अवकाश रहता है, इन अवसरों पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक अवकाश इस प्रकार दिया जा सकेगा जिसमें प्रशिक्षण प्रभावित ना हो। प्रशिक्षण निर्देशालय अनुसरण श्रवण अपने स्तर से करते हैं, जैसे होली, दीपावली, मुहर्रम इत्यादि हो गया, तो उसमें सामूहिक रूप से सबको वहाँ पे छुट्टी मिलने वाली। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारणवश 15 कार्य दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उसी चरण के अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर कोर्स पूरा कराया जाएगा। 15 दिन से अधिक आप अवकाश यानी अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। पूरे प्रशिक्षण काल के 15 दिन से अधिक किंतु 30 दिन तक अवकाश है किसी भी अन्य कारण से अनुपस्थित होने के कारण अधिक प्रशिक्षार्थियों को अंतिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो उसके अंदर की जो जो परीक्षा होती है, अगर आप 15 से 30 दिन के अंदर अनुपस्थित होते हैं तो उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 15 दिवस से अधिक तथा 30 दिवस तक किसी भी कारण से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षकों को 6 सप्ताह का एक पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरांत उसकी समस्त परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो आपको 6 महीने यानी 36 दिन और वेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। उसके बाद आपको जो परीक्षा होनी है, तो वो परीक्षा में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी PSC आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत दर्शाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपको परीक्षा भी होगी, पुरस्कार भी होगा। उसके बाद ये सारा कुछ आपको वहाँ पे उसी के अंदर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक एक दिन का जो ब्यौरा है यहाँ पे, किस दिन आपको जंगल कैंप, फायरिंग अभ्यास, पासिंग आउट परेड, ये सारा कुछ कैसे कैसे होगा, वो सारा दिन आपको पूरा एक एक दिन का यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, तो इस पूरा PDF में आप देख सकते हैं, आपको जो टाइमिंग है कितने बजे से कितने बजे तक, प्रथम कारण, द्वितीय कारण, तृतीय कारण, कितने कितने मिनट की अवधि होती है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो वहाँ पे लर्निंग होगी कोर्सेस की, वो कितने कितने हैं कोर्स होंगे, कितने कितने अवधि के होंगे, उनका जो अगर जो उनका एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, वो सारा कुछ PDF में दिया है। आप चाहो तो उसका पूरा पढ़ सकते हो। PDF आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम को, आप वहाँ पे जाकर PDF को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना पूरा PDF जो है बिल्कुल फ्री होकर आप पढ़ सकते हैं। आपको जो वहाँ पे इसमें जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के कितने कितने मार्किंग होते हैं, कैसे हिसाब से मिलते हैं, और यहाँ पे आपके जो PT से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैसे मार्किंग होती है, कितने कैसे PT होती है, कितने किलोमीटर पे राइफल सहित या विदाउट राइफल रनिंग पे कितना मार्क्स मिलता है, वो सारा कुछ आपको इसी में आपको मिल जाना है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को आप पूरा पसंद आ गई होगी, तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सारे जितने बच्चे हैं उनके पास पहुँच जाए वीडियो। और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री में है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो कि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें ऐसे ही। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर आपको PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF में मिल जाएगा। तो सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।